मुकाबला था आज का सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल जो मूसा ब्लूज बनाम डैश एफसी के दरमियान खेला गया आज शौकत अली स्टेडियम खुजबाग बारामूला में। फर्स्ट हेवल्स इनविटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का दूसरा सेमीफाइनल शुरू हो गई है। पहली पेनल्टी लेंगे नजीर डैश के प्लेयर, पहली पेनल्टी आते हुए सेव करेंगे मूसा ब्लूज के प्लेयर। ऑनफील्ड स्कोर रहा 1-1 और पेनल्टी आते हुए और बचते हुए पहले पेनल्टी स्कोर 0। प्रेशर बढ़ते हुए डैश एफसी के ऊपर, पहला जो मौका मिला था पहली पेनल्टी वो गवाही है नसीर ने। काफी अच्छे प्लेयर लेकिन बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला और प्रेशर काफी ज्यादा। काफी अच्छी पेनल्टी थी, कॉर्नर में मारने की कोशिश थी लेकिन सफल नहीं रहे। आराम से और क्या वो पेनल्टी और सेव करने पहुंचे थे गोलकीपर लेकिन थोड़ा सा चूक गए वहां पर। गोलकीपर जान लिया था कि जो पेनल्टी है वो इस साइड आएगी। 1-0 गोल स्कोर जो रहा वो है अभी तक 1-0। पहुंचे थे वहां तक साहिल, पहुंचे थे वहां पर लेकिन सेव नहीं कर पाए साहिल। जिसमें 15 की जो कॉर्नर पेनल्टी थी वो रोकने में असफल रही। स्कोर 1-0। दूसरी पेनल्टी लेंगे डैश और गोल होते हुए काफी खूबसूरत पेनल्टी मारते हुए जुबैर डैश के कैप्टन भी है और कन्वर्ट किया है इस पेनल्टी को। स्कोर है 1-1। अब दूसरी पेनल्टी लेंगे मूसा ब्लूज, स्कोर है अभी तक 1-1। दो पेनल्टीज दागी है जो मारी है वो डैश एफसी ने और अब दूसरी जो पेनल्टी है वो मारने के लिए जा रहे हैं मूसा ब्लूज के गोल कीपर जर्सी नंबर 19, वो इस पेनल्टी को लेंगे और सेव करेंगे साहिल डैश एफसी के प्लेयर। काफी अच्छी पेनल्टी मारते हुए वहां पर। स्कोर है 2-1। अब अफनान आएंगे पेनल्टी मारने के लिए डैश एफसी की जानिब से। स्कोर जो तीसरी पेनल्टी मारेंगे अब डैश एफसी के अफनान जर्सी नंबर 6, पेनल्टी लेंगे डैश एफसी की जर्सी नंबर 6 अफनान। तीसरी पेनल्टी और अच्छी पेनल्टी वहां पर मारते हुए अफनान। स्कोर है 2-2। अब तीसरी पेनल्टी जो है वो लेंगे मूसा ब्लूज। अभी तक जो लीड, जो बढ़त है वो मूसा ब्लूज की है क्योंकि जो पहली पेनल्टी है डैश एफसी ने वो मिस कर ली थी और वही प्रेशर इनके ऊपर बरकरार। तीसरी पेनल्टी लेंगे अब मूसा ब्लूज के जर्सी नंबर 9, सेव करेंगे सालिक जर्सी नंबर 9 मूसा ब्लूज के प्लेयर। और वहां पर काफी खूबसूरत सेव देते हुए साहिल। स्कोर 2-2। अभी तक काफी बेहतरीन सेव देते हुए और अपनी टीम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं साहिल। मारने के लिए पहुंचे हैं जर्सी नंबर 23। और गवाते हुए गोल पोस्ट के बाहर। अब चौथी पेनल्टी मारने के लिए जो चौथी पेनल्टी थी डैश एफसी ने वो गवा दी है फिर से और एक बार प्रेशर बढ़ते हुए गोलकीपर के ऊपर। चौथी पेनल्टी लेंगे मूसा ब्लूज के प्लेयर जर्सी नंबर 8, जर्सी नंबर 8 लेंगे इस पेनल्टी को। देखना होगा कि कितने सफल रह पाते हैं। काफी इंतजार किया वहां पर, काफी खूबसूरत पेनल्टी मारते हुए लीड
लेने में सफल रही है अभी तक। मूसा ब्लूज जहां पर पांच पेनल्टी मारने के लिए खुद रमीज आए हुए हैं। अगर मूसा ब्लूज सेव करती है इस पेनल्टी को तो मूसा ब्लूज जीतेगी। अगर कन्वर्ट करने में सफल रही डैश एफसी तो उसके बाद और एक पेनल्टी होगी। साहिल अब खुद इस पेनल्टी को लेंगे। ऐसे आते हुए और मूसा ब्लूज ने इस मैच को जीत लिया है पेनल्टीज में। ये देख सकते हैं आप कैसे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये जश्न बना रहे हैं, जश्न बना रहे हैं। हार्ड लक डैश एफसी और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मूसा ब्लूज। काफी खुश और फाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया है मूसा ब्लूज ने। तो ये था आज का मुकाबला।